अब टेलीग्राम पर एक एक्सक्लूसिव चीज लाए हैं, मार्केट खुलने से पहले 60 सेकंड की एक वीडियो जो सिर्फ टेलीग्राम पर अपडेट की जाती है, जहां पर क्या लग रहा है, कैसे खुलेगा, कौन से स्टॉक हैं, क्या रिजल्ट है, क्या नहीं है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक ऐसे शेयर के बारे में जो आज से करीब 2 साल पहले 3 रुपए के पास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक से तेजी हुई, 100 के ऊपर चला गया, काफी लोगों ने पैसा भी कमाया, लेकिन उसके बाद वो गिरना शुरू हो गया और काफी लोग वापस से फंस भी गए। 6 महीने में सबसे ज्यादा हालत खराब है, लोग सबसे ज्यादा फंस गए, लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या है, और लोगों की क्वेरी लगातार आ रही थी। तो YouTube प्रीमियम पेड मेंबरशिप में इस स्टॉक की सबसे ज़्यादा क्वेरी आई है, तो इसीलिए हम इसको कवर कर रहे हैं। तो आप भी YouTube की पेड प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, 799 का प्लान सबसे बेस्ट है, जिसमें लर्निंग, अर्निंग, इंट्राडे स्ट्रेटजी सब कुछ मिलता है। हम बात कर रहे हैं ब्राइटकॉम ग्रुप की। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं, वीडियो अपलोड होती है, आपको पता चल सकेगा। तो चलिए ब्राइटकॉम को जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो का कट दिखाना चाहूंगा कि जब ये 80 रुपए पे चल रहा था तब मैंने इसके बारे में क्या बोला था। तो पहले आप देख लीजिए, मैं जब जैसे क्या होता है, दो तरह के पेनी शेयर होते हैं, एक वो जहां पे डिटेल एनालिसिस अवेलेबल ही नहीं होती, तो वहां पे तो पैसा लगाना मतलब बहुत ही गलत काम करना, लेकिन एक दूसरे पेनी शेयर जहां पे डिटेल एनालिसिस अवेलेबल तो होती है बट इस तरह का थोड़ा रिस्क रहता है, तो उस कंडीशन में वैसी जगह पे उतना पैसा लगाओ जितना डूबे तकलीफ ना हो और दिक्कत ना हो। तो आई होप आप में से काफी लोगों को जो 30 रुपीज के टाइम में दिलाया था होल्ड करके बैठे होंगे, और जो जो लोग होल्ड करके बैठे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी हौसला आए और प्रॉपर से फॉलो करें। अब कोई पूछे कि अब क्या करें, तो अभी भैया इतने हाई पे मैं कुछ नहीं कह सकता, बस इस पे मैं एक चीज कह सकता हूँ कि आज की वीडियो को एज अ लर्निंग लीजिए, प्रॉपर फॉलो कीजिए, फायदा मिलेगा, आगे भी बेहतरीन चीजें बनाते रहेंगे। तो जैसा कि आपने क्लियर कट सुना कि 80 रुपए पे जब मैंने वीडियो बनाई तो मैंने कहा था मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अब ये वो चीज होती है जब पूरी वीडियो अगर आप देखते हैं, और आधी वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि ब्राइटकॉम के बारे में बात हो रही है, लेना है, जैसे आज भी मैं वीडियो बना रहा हूं, बट मेरा क्या व्यू है वो तो आपको लास्ट में पता चलेगा, क्योंकि पहले चीजों को तो समझें, जाने, तभी तो मेरे व्यू को जान पाएंगे। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं पूरी वीडियो देखें समझें तो फायदा होने वाला है। तो देखिए ब्राइटकॉम ग्रुप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है जो 1999 में हैदराबाद में फाउंड हुई थी। ब्राइटकॉम ग्रुप के कई देशों में एडटेक, न्यू मीडिया और आईओटी बेस्ड बिजनेस हैं। ये अमेरिका, इजराइल, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, एशिया पैसिफिक रीजन में कारोबार करती है। कंपनी के ग्राहक की लिस्ट में एयरटेल, ब्रिटिश एयरवेज, कोका कोला, हुंडई मोटर्स, आईसीआईसी बैंक, आईटीसी, एलआईसी, मारुति सुजुकी, एमटीवी, पीएनजी, सैमसंग, बायोकॉम, सोनी, स्टार मी इंडिया, वोडाफोन, टाइटन जैसे बड़े नाम हैं। भारत के साथ साथ ब्राइटकॉम ग्रुप के बिजनेस यूएसए, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, यूके, फ्रांस में भी है। 22 देशों की सबसे बड़ी मार्केट में कंपनी की मौजूदगी देखने को मिलती है। कंपनी के पास डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट में लगभग 12 सब्सिडरी कंपनी है, जिसकी मदद से कंपनी बहुत ही तेजी से ग्लोबल मार्केट में एक मजबूत पोजीशन दिखने को मिल रही है एज पर आर्टिकल, क्योंकि सच क्या है वो लास्ट में। ब्राइटकॉम ग्रुप धीरे धीरे घरेलू मार्केट, ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फाइबर, पब्लिक को कस्टमर बनाने में कामयाब हुआ है, जिसके चलते कंपनी ने इस बिजनेस सेगमेंट में मजबूत पहचान बनाई है और बहुत तेजी से और भी नए क्लाइंट को ऐड कर रहा है। अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आओगे तो वन टैग, कोरेग, वोलोम्प, पेनेगिया, ब्राइटकॉम, प्रॉक्सीटॉल है, ये सारे एडवर्टाइजिंग टूल हैं जो मेनली ब्रांड एडवर्टाइजिंग और नॉन कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होते हैं। कंपनी 3 बिजनेस वर्टिकल में लगी हुई है। पहला है एडटेक डिजिटल मार्केटिंग। इस वर्टिकल में कंपनी वीडियो एडवर्टाइजिंग, डिस्प्ले एड मार्केटिंग, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, सर्च मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लीड जनरेशन, एफिलिएट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, नीश कैंपेन, डिजिटल ट्रैफिक मैनेजमेंट, एड सर्विसिंग जैसी सर्विस देती है। सॉफ्टवेयर सर्विस में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कराती है, और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कंपनी कई तरह के फ्यूचरिस्टिक सर्विस प्रोवाइड कराती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटल आउट ऑफ होम जैसी एडवर्टाइजिंग करती है। बात करें अगर इनके कस्टमर बेस की, तो कस्टमर के प्राइमरी क्लाइंट में बड़े नाम हैं जैसे कि याहू, गूगल, अमेरिकन एक्सप्रेस, यूनिलीवर, ऐसे कई नाम आते हैं। अगर
ग्लोबल प्रेजेंस बात करें तो 22 ऑफिस, 463 एम्प्लॉई हैं। रेवेन्यू ब्रेकअप बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग सेगमेंट से 83% का रेवेन्यू आता है, सॉफ्टवेयर से 17% का आता है। इनके सब्सिडी की बात करें तो वाई रीच मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, LIL प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। तो ये थी कंपनी के बिजनेस की पूरी डिटेल। अब देखते हैं इनके फंडामेंटल्स पे। तो फंडामेंटल्स पे आप देखोगे कि इनका ROC ROE बहुत अच्छा है, 29.4 21.3, जो किसी को भी अट्रैक्ट करता है। सेल ग्रोथ भी 15% का है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 16% का है 5 ईयर के हिसाब से, जो अगेन किसी को भी अट्रैक्ट करता है। डेट पे जाओगे तो 0 डेट है, फ्री कैश फ्लो पे जाओगे तो 81.6 करोड़ का है, यानी अट्रैक्शन में कहीं से कोई कमी नहीं है। कोई भी इंसान इस तरह के जो बाहर से चीज़ों को देखेगा तो फुल अट्रैक्ट हो जाएगा कि अरे वाह, चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। तो फिर आखिर अंदर में क्या गलत है, हम उस पर भी आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग में चलते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग 22.40% हुआ करती थी, जो घटकर 18.47% हो गई है। तो आखिर प्रमोटर ने धीरे धीरे माल क्यों बेचा जब कंपनी इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही है। दूसरा, जो शेयर प्लेस हैं वो 0.86% के पास हैं, तो वो तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले प्लेस 3.36% का हुआ करता था, वो ख़त्म होकर अब 0.86 हो गया है। तो कुछ तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। क्या है गड़बड़, उसको समझना है कि भैया, तो मेन प्रमोटर ने क्या किया, अपनी शेयर होल्डिंग डिक्रीज की। जो पुराने प्रमोटर थे उनका डायरेक्ट स्टेक करीब 18.89% का। तो ये कंफर्म नहीं है कि प्रमोटर ने जो सेल होल्डिंग की है, सेल की है, डायरेक्ट मार्केट में सेल की है या प्रिफ्रेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू किया है। उसके बाद क्वार्टर में 4 नए FII इन्वेस्टर आए हैं जो मार्केट में लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो 13.55% का स्टेक होल्ड करते हैं एज पर द डेटा। यहाँ पे वो भी आप देख सकते हो। तो ये मैटर थोड़ा सा समझ के बाहर है कि प्रमोटर अपनी डायरेक्ट होल्डिंग कम क्यों कर रहा है, अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं तो। अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, हर तरीके से ग्रोथ कर रही है, तो ऐसा क्यों है, ये एक सोचने वाला सवाल आता है। आप भी एज अ प्रमोटर ऐसा बिल्कुल नहीं करो। अगर हम इनके पिछले 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें तो शेयर 53% टूट चुका है, और इसका सबसे बड़ा रीज़न सेबी की फाइनेंशियल ऑडिट है। अब ये क्या कहानी है, तो मार्च के आसपास सेबी ने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से 2019-20 के लिए ब्राइटकॉम के फाइनेंशियल डेटा के लिए फॉरेंसिक ऑडिट का आदेश दिया। सेबी ने ऑडिट के पीछे का कारण दिया कि कंपनी के बैलेंस शीट और फाइनेंशियल डेटा से कहीं ना कुछ छेड़खानी की गई है। तो इन्वेस्टर के लिए ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। तो ये न्यूज़ जब से आई है शेयर वापस से गिर रहा है। बट कुछ और चीज़ है जो नॉर्मल ट्रेडर नहीं देख पाते हैं, वो है फाइनेंशियल डेटा, ट्रेड रिसीवेबल। यानी ये रिसीवेबल क्या है, तो यानी जो सेल किया मार्केट में उससे कितने पैसे आए। आप खाली बेच तो रहे हो, उधारी बेच रहे हो, नकदी बेच रहे हो, क्या है, और उधारी भी बेच रहे हो, तो उधारी का पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो है ट्रेड रिसीवेबल। और वहाँ पे जब हम उस डेटा पे जाते हैं तो जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सरप्राइज हो जाओगे उसको देखते हुए कि मैंने 2011 से लेकर 2022 तक का डेटा आपके सामने किया है, और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिर क्या है मामला, क्यों है इस तरीके से, ये देखने वाली बहुत ही ज़्यादा बात है, जिसके बारे में अगेन कोई अपडेट नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट करती हैं। सेबी भी कोई जब 14-15 से पकड़ी है तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ तो है कि आखिर भैया क्या है मामला, सब कुछ अच्छा बाहर से दिख रहा है, अंदर से गड़बड़ कहाँ है। तो इन सब के मद्देनज़र जो सेबी की ऑडिट प्रोसेस चल रही है, उसके अलावा शेयर होल्डिंग की कहानी है, ये सब कहीं से कोई भी क्लियर आउटपुट कंपनी के बारे में नहीं दे रहे हैं। प्लस अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो जब ये 30 रुपये का था तब भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो 30 रुपये के समय में तो मैंने उस समय चीज़ें इस तरीके से डाउट वाली कहानी बाहर निकल के नहीं आई थी। उस समय जस्ट एक पेनी स्टॉक था कि चल रहा है, ठीक है। लेकिन अब इतने सारे कंसर्न होने के बाद इस चार्ट पे जब आप देखते हो तो कभी पंप कभी डंप दिखते हुए कंप्लीटली ट्रेडर को कंफ्यूज किया जा रहा है। वहाँ पे मेरा मानना है भैया 5000 शेयर हैं, किसी और शेयर में कमा लेंगे। जब एक समय मौका मिला था 30 पे तब हमने भी बताया था, 80 पे हमें समझ नहीं आया, उसका वीडियो का प्रूफ दे दिया, अभी 47 पे चल रहा है, अकलमंदी आती नहीं है। तो ये है मेरा क्लियर नज़रिया जिसमें किस तरीके से मामला फंसा हुआ है फाइनेंशियल का, जो आप नहीं देख पा रहे हो वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई हों। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और कोई सवाल अगर अभी भी ब्राइटकॉम से रिलेटेड बचे हों तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा।